कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस्सी सेंचुरी का बिरावान, ये देखिए सन्नाटा, शांति, और इसे कह सकते तूफान आने से पहले की शांति, क्योंकि हमारे साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो बता रहे हैं कि यहाँ कहीं पैंथर हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये खामोशी, जैसा कि आपसे सन्नाटा देख पा रहे हैं और पीछे की ओर ये आप सीन देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मैं आज आपको इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ के पास बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ आपको मैन वर्सेज वाइल्ड के मेवाड़ एडिशन की फीलिंग्स आएगी। एंड आप ये देखिए, ये बस्सी का बिरावान और ये तूफान आने से पहले की शांति है। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर बता रहे हैं कि इस यहाँ पर बस्सी वाइल्ड लाइफ में 27 पैंथर हैं, तो हो सकता है, इन्होंने बताया कि यहाँ कोई आसपास जंगली जानवर की आवाज़ें नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो सकता है आसपास पैंथर हो, तो उन्होंने बोला कि बी केयरफुल। तो फ्रेंड्स, वीडियो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यहाँ शूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। 138 स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो एरिया है, और ये यहाँ पे जो है क्या क्या कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे? यहाँ पे सभी प्रकार के जानवर, इसमें लेपर्ड है, हाइना है, नीलगाय वगैरह सब, खरगोश वगैरह, जंगली बिल्ली, छोटे बड़े रेप्टाइल्स भी हैं जी, अजगर भी काफी मात्रा में है, और जिनकी लंबाई करीबन 15-18 फीट भी है जी, लंबे अजगर भी छोड़े हुए हैं अपने इसमें जी। ऐसा है, देखिए दोस्तों, और ये यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जैसा मैंने आपको बताया था पहले, वो यहाँ पर टिकट विंडो रहती है, वहाँ से कितना टिकट कितना है यहाँ पर आप? 85 इंडियन नागरिक का 85 पर पर्सन है जी, और टू व्हीलर का 55 है, फोर व्हीलर का 305 है जी, और विदेशी पर्यटकों का 405 है। ठीक है, सर है यहाँ तो काफी अच्छी मात्रा में है, और हम उसकी ट्रैकिंग भी करते हैं, और हमारे पास ही चौकी के पास ही कल ही हमने उसको स्पॉट किया था, उसके लिए हमने ट्रैप कैमरा भी लगाए हैं, और आज सवेरे ही जाके उसको चेक किया, लेकिन वो आज आया नहीं है, और हम निरंतर रखेंगे ताकि वो जल्दी से उस ट्रैप कैमरे में आ सके। उसके अलावा यहाँ हाइनाज है, और ये लकड़बगे हैं, और जेकॉल है, और दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, और शाकाहारी जानवरों में यहाँ चोसिंगा, जिसको फोर्न हॉर्न एंटीलोप कहते हैं, वो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। चोसिंगा स्पेशलिटी है यहाँ बस्सी की, जो सीता माता में, बस्सी में, और फिर नेपाल के जंगलों में ही देखने को मिलता है। अरे वाह फ्रेंड्स, ये आप देखिए, मैं और मेरे दोस्त जन विजय मेन वर्सेज वाइल्ड फीलिंग कर आते हुए अभी पहुंच गए हैं बस्सी के बिरावान में, और यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर ललित भाई, ये देखिए, खुद यहाँ पे अपना टाइम निकाल के पूरा बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें टूर करवा रहे हैं। बताइए सर, इस जगह कल सुबह 6 बजे लेपर्ड यहाँ पानी पीने के लिए आया था, हमने आज वापस कल शाम को कैमरा ट्रैक भी लगाया था, लेकिन वो किसी कारणवश बैटरी लो हो जाने के कारण कैमरा काम नहीं कर पाया, तो दूसरा कैमरा लगाएंगे आज शाम को वापस। ये देखिए, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बोल रहे हैं कल ही यहाँ पे पैंथर ने पानी पिया था, जिसके की विजुअल्स इनके पास है। आपको कैसा फीलिंग आ रही है आपको जन्मविजय भाई? मुझे बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ मैं पहली बार ही बाहर उतरा हूँ गाड़ी से, और ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और लिटिल बिट फियर, थोड़ा मेरे को डर भी लग रहा है कि क्योंकि चारों तरफ जंगल है, हो सकता है कोई जंगली जानवर एकदम से आ जाए। बिल्कुल, उसके लिए तो देखो इन ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलती है कि हमारी जो है जान की रक्षा कैसे करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, बस्सी के बिरावान में गाड़ी आगे की ओर चलती हुई, और इस उम्मीद के साथ, वो देखिए दोस्तों, उधर कुछ आहट हो रही है। फॉरेस्ट ऑफिसर सर बता रहे हैं कि गाड़ी की और इंसानों की गंध आते ही गहरे जंगल की ओर चले जाते हैं,
जानवर, तो ये भी थोड़ा सा विजुलाइज होने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है। ये देखिए इधर ये एनिकट पानी पीने के लिए ये सब। हम पूछते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर सर से, सर यहाँ पर ये ऐसे ये जंगल के बीच में पानी पीने का क्या साधन रहता है इनके? पानी पीने के लिए करीबन 7-8 पॉइंट बना रखे हैं जी, जो नेचुरल है जिनमें 12 महीने पानी रहता है और कुछ पॉइंट ऐसे प्राकृतिक बना भी रखे हैं जिनमें टैंकर से भी पानी भर जाता है जी, और सौर ऊर्जा के यंत्र भी लगा रखे हैं जी, उससे भी ऑटोमेटिक दिन में सूर्य के प्रकाश से मोटर चलती है। अच्छा। पानी भरते हैं। आप लोग इस घने गहरे जंगल की ओर जाते हो, आप अंदर जाते हो? आप लोग शाम दोनों टाइम गश्त करनी पड़ती है, अंदर जाते हो इसके? ट्रेकिंग करते हैं। अच्छा, 4-5 लोग साथ में। ओहो, अच्छा, वेरी गुड। जनविजय भाई आप कर सकते हो ऐसे? नहीं, हम अपन तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ इतना जानवरों का खतरा है, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जैसा कि आपने फॉरेस्ट ऑफिसर साहब ने बताया कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं जो झीलों के पास में है और वो एकदम घात लगा के बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, सन्नाटे को चीरती हुई हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है। बस्सी सेंचुरी में, बस्सी अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, थोड़ा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन मेरे से मुश्किल हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पिकॉक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, अभी तक बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जंगल बिराबान खत्म नहीं हुआ है और बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, घना होता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ कुछ आहट फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं, ये पीछे आप अथाह जल राशि देख पा रहे हैं और ये यहाँ पर जो आपको हट दिख रही है, ये यहाँ पे इस जगह को क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट बोलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमें फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद खटीक भाई ये लेके आए हैं, यहाँ क्रोकोडाइल है फ्रेंड्स, मगरमच्छ है, बताइए। किनारे पे बैठा हुआ बाहर, रूम कीजिए आप। ये देखो दोस्तों, मंकीज, ये देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही यहाँ पर बस्सी डैम आपको देखने को मिल रहा है, ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये बोटिंग करने के लिए यहाँ पर ये बोट शुरू करी है यहाँ के जो बिजनेसमैन है हेमेंद्र सिंह जी। हेमेंद्र सिंह जी हेलो, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे पूरा बस्सी की जो ये डैम है, ये 5-6 किलोमीटर लंबा चौड़ा यहाँ पर ये इसकी लंबाई है। ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये आपको बस्सी डैम दिखेगा, पानी दिखेगा, अंदर क्रोकोडाइल है फ्रेंड्स, और वो भी आप देख सकते हैं, और ऐसे आप बोटिंग कर सकते हैं, और ये यहाँ मिलेंगे कभी आप आए तो। और इनको सिर्फ मैं स्टेटस पे और यूट्यूब पे देखता था। ये शर्मा जी है, ये मेरे फ्रेंड जो कि एक शानदार यूट्यूबर है और ऑल इंडिया ये, और इनका ग्रुप बाइक से ट्रेवल करता है, टूर करता है लद्दाख और सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, वो ये लोग बाइक पे घूमते हैं, और इनके साथ आज हमें बोटिंग करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपका नाम भैया? मेरा नाम वसीम। वसीम भाई, आपका नाम भैया? मनीष। और ये तो हमारे साथी हैं जी, आपका नाम? राहुल बता दिया। राहुल भाई है। निखिल भाई है ये। आपका नाम भाई? मेरा नाम आशीष।
आशीष भाई। मेरा नाम कृतेश है। कृतेश भाई है। प्रशांत। प्रशांत भाई है। तो ये सब भी बाइकर्स है दोस्तों, और अब आप नजारा का लुफ्त उठाइए ये शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बस्सी डैम का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बोट आगे की ओर बढ़ रही है बस्सी डैम में। जन्मीजय भाई एंजॉयिंग? बोट वाले भैया हेलो, क्या नाम है आपका? गोपाल। ये गोपाल भाई है। ये मकर है क्या? ये फ्रेंड्स देखिए मगरमच्छ क्रोकोडाइल बस्सी डैम में, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मगरमच्छ। ये देखिए एक और चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। ये हमारी सेल्फी लेने नाव की ओर आता हुआ क्रोकोडाइल। जिसने समंदर पर राज कर लिया समझो गुजरात उसका। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारी बोट धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, ऑलमोस्ट बोट राइड कंप्लीट होने पे हुआ है। कितने दिखे आपको क्रोकोडाइल? यहाँ पर 5-6 तो हमें दिखे, जस्ट 5 में दिखे अभी। और अंदर चीतल भी दिखे हमको, काफी सारे वाइल्ड एनिमल जो है वो भी दिखे यहाँ पर। हमें बहुत जल्दी एक बार वापस प्लान करना पड़ेगा विद फैमिली यहाँ पर आने के लिए। ये देखिए किड्स आर वेरी एक्साइटेड। हेलो, कहाँ से सर आप? चित्तौड़ से। ये देखिए चित्तौड़ से आए हैं बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंजॉय करने। ये भी अब ये बोटिंग करेंगे।